नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार से राज्य भर में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। बेवजह घरों से निकलने वालों को पुलिस सिखाएगी सबक। अस्थमा की दवा लेने मेडिकल पहुंचे एक अधेड़ की दुकान की चौखट पर हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से घंटों पड़ा रहा शव। आभूषण व्यवसायी से 50 लाख रंगदारी मांगने का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा। रंगदारी मांगने वाला प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, मोबाइल और सिम बरामद। सोशल मीडिया के जरिए शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की फैलाई जा रही है अफवाह। वीडियो जारी कर डॉक्टर ने अपने स्वस्थ होने की दी जानकारी। और इंटर परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता ही जा रहा है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की रफ्तार कम नहीं हुई है। हालात यह है कि पहले की अपेक्षा लॉकडाउन में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिले के शहरी क्षेत्र में 9 जुलाई से लागू लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 7वें और अंतिम दिन तक 564 नए पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद से संक्रमण की गति धीमी होगी। बता दें कि शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर दुकानें खुली हैं और सड़कों पर पूर्व की तरह ही आवाजाही जारी है। वहीं गुरुवार से राज्यभर में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है, यह तो वक्त ही बताएगा। महामारी के दौर में मानवता काफी पीछे छूटती जा रही है। जहां लोग जरा सी चोट लगने पर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे, वहीं आज परिस्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। कोरोना वायरस ने मन में ऐसा डर बैठा दिया है कि लोग पास होकर भी मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। बुधवार की सुबह भागलपुर के दवा पट्टी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अस्थमा से पीड़ित एक मरीज दवा लेने शहर की प्राचीन दुकान आत्माराम मेडिकल पहुंचा, जहां दवा मिलने में देर होने के कारण उस व्यक्ति ने दुकान की चौखट पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दुकान के पास व्यक्ति के मरने की सूचना मिलते ही मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान दुकान संचालक ने घटना की सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस एवं पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस ने शव को ले जाने से मना कर दिया। दुकान संचालक कृष्ण कुमार केडिया ने बताया कि मृत व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित था, जिसको दवा मिलने में देर हो गई और अचानक उसकी मौत हो गई। बता दें कि काफी देर तक शव दुकान के आगे पड़ा रहा और किसी ने शव को हाथ लगाने की हिमाकत नहीं की। वहीं घटना की जानकारी उपमेयर राजेश वर्मा को लगते ही वह मौके पर पहुंचे और अपनी ओर से प्लास्टिक बॉडी बैग का इंतजाम कर शव को उसमें डालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल अब तक मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक के घर वालों का पता लगाने में जुट गई है। एक दवा लेने आए थे, हफ्सी का दवा उन्होंने दिया, पंप भी दिया अपने दुकान में। 10 मिनट बैठे भी टेबल पर, अब बैठने के बाद वो गिर गए। फिर हमने प्रशासन को फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, कोई एक आदमी गिर गया है, आप आके जरा सा उसको चेक करवाया जाए। लेकिन अभी तक 1.5 घंटा हो गया, न प्रशासन की तरफ से कोई आदमी आया, न एसपी साहब की तरफ से कोई आदमी आया, न कोरोना 19 की तरफ से कोई आदमी आया। क्या लगता है, कैसे हुआ? वो लगता है हफ्सी लेते लेते उनका दम अटैक कर गया लगता हमको तो। शहर में आभूषण के बड़े व्यवसायी एवं डिप्टी मेयर के पिता हरिओम वर्मा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले दो शातिर अपराधी को भागलपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर दबोच लिया। दोनों अपराधी प्रेमी कपल हैं, जो रंगदारी की रकम मिलने के बाद घर से भागकर शादी रचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया है। सीनियर एसपी आशीष भारती ने पकड़े गए दोनों अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि घटना के उद्भेदन के लिए सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जगदीशपुर इलाके के पुरैनी गांव में छापेमारी कर प्रेमी एवं प्रेमिका दोनों को दबोच लिया। एसएसपी ने बताया कि रंगदारी मांगने में प्रयुक्त किए गए मोबाइल फोन और सिम को भी बरामद किया गया है। घटना में दोनों आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। गौरतलब हो कि मंगलवार की दोपहर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के पिता हरिओम वर्मा के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आरोपियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर दुकान सहित बम से उड़ा देने की धमकी दी थी, जिसके बाद जोक्सर थाना में व्यवसायी ने FIR दर्ज कराया था। दिनांक 14/7/20 को जोक्सर थाना क्षेत्र के निवासी तथा व्यवसायी हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के मालिक से को उनके मोबाइल नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज भेज करके 50 लाख रुपए की डिमांड किया गया था तथा नहीं देने पर
दुकान से उड़ा देने की धमकी का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले को भागलपुर पुलिस के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी सिटी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे। इनके द्वारा तकनीकी अनुसंधान करते हुए छापामारी करके दो व्यक्तियों को, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर तथा बीबी सफीका, इनको घटना घटित होने के करीब 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जिस मोबाइल से उन्होंने गाड़ी वाला मैसेज भेजा था वो भी बरामद किया गया है और वो मैसेज भी प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का क्रेज ऐसा है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इससे बचा नहीं है। यह कई मायने में मददगार भी है, लेकिन सावधानी न बरती जाए तो यह प्लेटफॉर्म कई परेशानियों का सबब भी बन जाता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया जहां भूले बिसरे दोस्तों से मिला रहा है, वहीं समाज में अफवाहों को भी खूब हवा दे रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित डॉक्टरों को लेकर सोशल मीडिया का बाजार भागलपुर में इन दिनों काफी गर्म है। मंगलवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद जिले भर के लोगों में हड़कंप मच गया और जो मरीज अपने डॉक्टर से इलाज करा रहे थे वह काफी घबरा गए। वहीं कई चिकित्सकों की मोबाइल की घंटियां बजने लगी और लोग अपने चिकित्सक का हाल चाल जानने में जुट गए। सोशल मीडिया पर कोविड 19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, वरीय चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अंजुम परवेज, डॉक्टर ओबैद अली समेत जिले के कई नामचीन डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आग की तरह फैल गई, जबकि यह सारे चिकित्सक ना तो कोरोना संक्रमित हैं और न ही संदिग्ध। वहीं बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही इस खबर की पड़ताल जब सिल्क टीवी की टीम ने की तो पता चला कि कोविड 19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मायागंज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अंजुम परवेज और डॉक्टर ओबैद अली मायागंज अस्पताल में ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर अंजुम परवेज ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर फेक है और डॉक्टर ओबैद अली ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टर शमू को टारगेट करते हुए ऐसी अफवाह फैलाई है। डॉक्टर डीपी सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर डीआईजी सुजीत कुमार ने सभी लोगों से ऐसी अफवाहों से बचने की अपील की है। डीआईजी ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबर फैला रहे हैं उन पर पुलिस साइबर सेल की पैनी नजर है। वहीं पूरे मामले पर भागलपुर पुलिस कप्तान आशीष भारती ने कहा कि जिन चार डॉक्टरों के बारे में सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी अफवाह फैलाई गई है उनमें से अगर कोई एक डॉक्टर भी पुलिस को लिखित आवेदन देते हैं तो अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। साथ ही एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा दी है जो काफी सराहनीय है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि मैं और मेरे कुछ कलीग्स कोरोना से ग्रसित हैं और बीमार हैं। ये महज कोरी अफवाहें हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा फैलाई जा रही हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और रोज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहा हूं। कई कोरोना के मरीज मेरे अंडर भर्ती हैं जिनका मैं देखभाल कर रहा हूं। कृपया ऐसी अफवाहों से बचें और कोरोना से लड़ाई जारी रखें। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। बांका के सुइया बाजार में मंगलवार की देर शाम इंटर का रिजल्ट खराब आने पर एक छात्रा ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 18 वर्षीय हर्षिता कुमारी के रूप में हुई है जो अपने नाना कामदेव वर्णवाल के साथ रहती थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सुइया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार हर्षिता बचपन से ही अपने नाना के साथ रहती थी। मंगलवार को आई इंटर परीक्षा परिणाम में छात्रा उत्तीर्ण नहीं हो सकी, जिससे छात्रा को सदमा लगा, जिसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। इधर घटना के बाद मृतका के घर में मातम छा गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर ललमटिया ओपी पुलिस ने गाय की चोरी में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर की पहचान उषा देवी एवं उसके पति विनोद ताती के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी की गई गाय को भी बरामद किया है। घटना को लेकर नाथनगर CTS रोड निवासी बसंत कुमार जैन ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब वह अपने गौशाला पहुंचे तो 3 में से 1 गाय गौशाला में नहीं थी, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन गाय का कोई पता नहीं चल पाया। आसपास लगे CCTV कैमरे की जांच में 2 लोग गाय को लेकर जाते दिखे। इसके बाद घटना की जानकारी ललमटिया पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों चोर को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोर जेल भेज दिए गए हैं। पंडित हरिनारायण शुक्ला फाउंडेशन के तहत चल रहे एलिमेंट्री स्कूल सुल्तानगंज के बच्चों ने CBSE 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में बाजी मारी है। बुधवार को CBSE 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें स्कूल के 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय प्रबंधन के अभिकल शुक्ला ने बताया कि विद्यालय का पासिंग काफी बेहतर रहा है। 10वीं और 12वीं में छात्रों ने बेहतर परीक्षा परिणाम लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के छात्र आर्यन कुमार, प्रणव कुमार, सागर कुमार और विभांशु ने अपनी लगन और मेहनत से 90% से अधिक अंक लाकर अपने अभिभावकों का मान बढ़ाया है। CBSE क्लास 10th एंड 12th दोनों के रिजल्ट्स आउट हुए। एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्टैंडर्ड 10th में 6 बच्चों ने 90% मार्क्स को क्रॉस किया और पासिंग परसेंटेज 100% रहा। और साथ ही साथ एलिमेंट्री स्कूल फैमिली, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट करता है बच्चों के और स्कूल के इस ग्रैंड अचीवमेंट को। भागलपुर सिविल कोर्ट के आधा दर्जन कर्मचारियों का रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आते ही कोर्ट कर्मियों में हड़कंप मच गया है। जिस सेक्शन के कर्मी संक्रमित हुए हैं वहां के कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 21 जुलाई तक कोर्ट का कामकाज ठप है। इधर जिला विधिक संघ ने 1 सप्ताह तक वकीलों से कोर्ट नहीं आने की अपील की है। महासचिव संजय मोदी ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार वकीलों को फिजिकल रूप से कोर्ट नहीं आना है, सिर्फ फैक्स और इंटरनेट के माध्यम से कार्य होगा। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर में लगातार चल रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ जिलेवासियों को परेशानी में डाल सकता है। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है शहर में कोरोना वायरस ने प्रलय ला दिया हो।
बता दें कि बुधवार को मिली ताजा अपडेट में 125 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई। अब तक भागलपुर में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 2 अंक तक ही सीमित थी, पर अब मामला बिगड़ता जा रहा है। 125 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भागलपुर की स्थिति दयनीय होती जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना का प्रकोप देखते हुए 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि जिले में पहले से ही लॉकडाउन लगाई जा चुकी थी। डीएम प्रणब कुमार के आदेश पर 9 जुलाई से ही शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था, पर लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में और वृद्धि आई है। यूं कहें तो जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया लॉकडाउन कारगर साबित नहीं हो सका। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर सामान्य रूप से आवाजाही जारी है और लोग बेवजह अपने घरों से बाहर भटक रहे हैं। कोरोना वायरस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है और इससे बचाव के लिए बार बार लॉकडाउन लगाई जा रही है। लॉकडाउन के कारण व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मार्केट में लोगों की आवाजाही कम होने के कारण सामानों की बिक्री नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन में अपने ग्राहकों को घर बैठे सेवा उपलब्ध कराने के लिए खलीफाबाग चौक स्थित बच्चे के कपड़ों की दुकान चंदा मामा के द्वारा नई पहल की गई है। दुकान के संचालक अंशु अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में बाजार बंद रहेगा, पर इस दौरान ग्राहकों के सामानों की ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के दौरान सभी सरकारी गाइडलाइंस एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमें अपने ग्राहकों को बताते हुए यह अपार हर्ष हो रहा है कि हमने अपनी वेबसाइट chandamama.co.in के नाम से शुरू की है। इसमें ग्राहकों को उनके और उनके बच्चों के आवश्यकता से संबंधित सभी वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी और 3 से 4 घंटों के अंदर उनके यहाँ होम डिलीवरी हम लोग करवा देंगे। हमारे डिलीवरी बॉय गवर्नमेंट्स की सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सुरक्षित रूप से उनका सामान उनके घर तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा हमने इसमें 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, जिसमें कि अगर कोई ऐसी सामान जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में मंगलवार की देर रात घर से मोबाइल चोरी करते 2 चोर को घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान एक चोर मौके से भागने में सफल हो गया, जिसके बाद पकड़े गए चोर को स्थानीय लोगों ने खंभे से बांधकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चोर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पकड़े गए चोर की पहचान दीवाना कुमार उर्फ दीपक के रूप में हुई है। घटना को लेकर घर के मालिक शिवचरण कुमार ने बताया कि रात को डिनर के बाद वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई दी, जिसके बाद उसने उठकर दोनों चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। पकड़े गए चोर ने बताया कि वह अपने साथी कार्तिक कुमार के साथ चोरी करने पहुंचा था, लेकिन मौका मिलते ही वह फरार हो गया। घर से मोबाइल चोरी हो गया था, 2 चोर घुसा, उसके बाद जो है ना हम जागे तो दोनों चोर भागने लगा। एक चोर भाग गया और ये वो मोबाइल उसके छत्ता वाला पकड़ा गया सैमसंग का, और ये वो हल्ला किए ना अगल बगल का आदमी पकड़ा, एक ठो पकड़े ना हम चोर को तो यहाँ मुखिया जी के पास में, उसके बाद जो है ना यहाँ थाना मुखिया जी थाना फोन किया तो मुखिया जी थाना फोन करने के बाद यहाँ से पुलिस गया। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार से राज्य भर में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, बेवजह घरों से निकलने वालों को पुलिस सिखाएगी सबक। अस्थमा की दवा लेने मेडिकल पहुंचे एक अधेड़ की दुकान की चौखट पर हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से घंटों पड़ा रहा शव। आभूषण व्यवसायी से 50 लाख रंगदारी मांगने का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा, रंगदारी मांगने वाला प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, मोबाइल और सिम बरामद। सोशल मीडिया के जरिए शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की फैलाई जा रही है अफवाह, वीडियो जारी कर डॉक्टर ने अपने स्वस्थ होने की दी जानकारी। और इंटर परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।